नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा दिग्विजय पाटिल। मैं अपना घर संभाल कर मैं एक छोटा सा उद्योग करती हूँ। देखते हैं पहले हम इस मशीन की जानकारी लेंगे। जैसे कि आप यह मशीन देख रहे हैं, यह मशीन घर की बिजली पर चलती है। इसमें से हम प्रति घंटा 20 किलो माल निकालते हैं। मेरी कंपनी से जो प्रोडक्शन निकलता है वह मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले मैं इसमें मिर्ची डालती हूँ, यह है 1 किलो। अभी मैं इस कैप को लगाती हूँ, इस तरह से इसे बंद करना है और इसे चालू करना है। अब हम इसे बंद करेंगे और इस तरह से इसे हम निकालेंगे। अब हमारी मिर्च पाउडर तैयार है। अब हम इसे निकालेंगे, इसे दबाते हैं और ऐसे करेंगे और यहाँ से हम इसे बाहर निकालेंगे। इस तरह से यह बाहर आ जाती है। हमारी दूसरी स्टेप है, अब हम इसमें धनिया डालेंगे। अब हम इस कैप को लगाते हैं। अभी हमारा ये धनिया पाउडर तैयार है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। उसके बाद हम इसमें तिल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें चक्रफूल डालेंगे। अब हम इसमें दालचीनी डालेंगे। अब हम इसमें खोबरा डालेंगे। और इसमें तेजपत्ती भी डालेंगे। इसे हम फिर से बंद करते हैं।
है हमारा मसाला तैयार है। बाहर निकालते हैं। आखिर में हम इसमें जिंजर गार्लिक और धनिया पत्ता हम डालेंगे। इसे बंद करके हम इसे फिर से चालू करेंगे। अब है हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसमें यह गरम मसाला भी डालेंगे। अब हमने इसमें सब मसाले डाल दिए हैं। फिर से हम इसमें इस ढक्कन को बंद करेंगे। अब है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार है। और इसे अब हम इसे बाहर निकाल दें। मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसे PSP प्रोडक्ट मसाले में पैक करेंगे। यह हमारा PSP मसाला का प्रोडक्ट है। अब हम इसमें यह हमारा मसाला चटनी डालेंगे और हम इसमें सील करेंगे। यहाँ हमारा सीलिंग मशीन है। यहाँ पर हमें इसे इस तरह सीलिंग करते हैं। अभी मैडम आपका जो PSP मसाला है, इस ब्रांड से अभी मार्केट में आपके कौन से प्रोडक्ट अभी बिक रहे हैं? हमारे मसाले प्रोडक्ट है ऑल इन वन मसाला, बिरयानी मसाला, जीरा पाउडर, धना पाउडर, मिर्च मसाला, काजू कुरमा मसाला, पनीर मसाला, इतने प्रोडक्ट है। इतने प्रोडक्ट आप उसी एक ही मशीन से प्रोडक्शन कर रही है? हाँ, एक ही मशीन से हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। यानी दोस्तों, एक ही मशीन से आप अलग अलग प्रकार के जो मसाले हैं वो बना सकते हैं। जैसे हमने आपको एक ही टाइप का मसाला बना कर दिखाया। अब ये बताइए, इस बिज़नेस की जब आपने शुरुआत की थी तो लागत कितनी आई थी? देखिए सर, मैंने अपना यह बिज़नेस 40,000 रुपये में चालू कर दिया था और फिलहाल मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली है और मैंने अब यह सीलिंग मशीन खरीदा है। यानी दोस्तों, मैडम की जो शुरुआती लागत थी वो 40,000 रुपये थी, अभी उन्होंने अलग से सीलिंग मशीन खरीदी है। मैडम, ये बताइए, इस बिज़नेस में आपको मुनाफा कितना बचता है, कितनी कमाई कर रही है अभी आप?
देखिए सर, मेरा हर महीने का मुनाफा अलग अलग हो जाता है, कभी 60,000 हो जाता है तो कभी 70,000। यानी दोस्तों मैडम इस बिज़नेस से लगभग मंथली 60 से 70 हज़ार रुपये की अर्निंग कर रही है। बहुत ही कम लागत में इन्होंने बिज़नेस शुरू किया था, लगभग 40,000 में। साथियों हमने मैडम का प्लांट देखा, जिन्होंने ये प्लांट शुरू करवाया था, जो ये मशीन बनाते हैं, हमारे साथ ये मशीन मैन्युफैक्चरर राहुल सर। सर ये बताइए, अभी जो प्लांट चल रहा है उसमें अलग अलग प्रकार के मसाले बनाए जा रहे हैं, इस मशीन से कितने प्रकार के बिज़नेस किए जा सकते हैं? इस मशीन, ये मल्टीपर्पज़ मशीन है। इस मशीन से आप मिर्च मसाला, धनिया मसाला, जीरा मसाला और अदरक, आला लहसुन अदरक पेस्ट भी बना सकते हो। ये मल्टीपर्पज़ मशीन है, इससे आप ग्रेवी पेस्ट भी बना सकते हो। यानी दोस्तों इस मशीन से आप मिर्च का बिज़नेस कर सकते हैं, धनिया का बिज़नेस कर सकते हैं, जीरा का बिज़नेस कर सकते हैं, या अगर आप जिंजर का पेस्ट बनाकर या गार्लिक का पेस्ट बनाकर भी मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लगभग मसाले का तो डिमांड हर जगह चलता है, दिल्ली में भी मसाला बिकता है, केरला में भी बिकता है, पूरी इंडिया में मसाला पसंद किया जाता है। सर ये बताइए, अभी इसमें आपने जो मॉडल बनाया है इसमें, इस मशीन में, तो कितनी कीमत है इस मशीन के GST के साथ? इस मशीन की कीमत है, इस पर लगभग 3 मॉडल है, जैसे कि सिंगल पीस 2 HP का आता है, सिंगल पीस 3 HP का आता है और 3 पीस 3 HP का रहता है। जैसे कि घरेलू बिजनेस में जो इंटरेस्टेड है, जो घर के बिजली पर भी चल सकती है मशीन, घर के बिजली के ऊपर चल सकती है। तो सबसे आखिर में साथियों, अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हो तो सर के फैक्ट्री का नंबर और एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप उन्हें कॉल कीजिए, इनकी फैक्ट्री पर आइए, विजिट कीजिए, मशीन कैसे बनती है देखिए, फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।